हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मटर मलाई मशरूम की सब्जी। इसके लिए सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। जब ये तेल हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 छिली हुई लहसुन की कलियाँ, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। अब हम इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसको आपस में मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे 10 से 15 काजू और इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर तक कढ़ाई में पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें हम कटे हुए मीडियम साइज़ के 3 टमाटर ऐड कर देंगे। हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये सारी चीज़ें नरम हो जानी चाहिए। आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं और इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लगभग हो चुकी हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मिक्सी में इसका एक हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम आँच पर कुकर चढ़ा देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। जब ये तेल हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी और इसमें हम मशरूम भून लेंगे। ये हमने 200 ग्राम मशरूम लिए थे जिनको हमने धुल के साफ़ कर लिया था। इन मशरूम का जब सारा पानी मर जाएगा तब हम इनको कुकर से बाहर निकालेंगे। मशरूम को हमें तेज आंच पर ही भूनना है। ये मशरूम हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए, भुने हुए मशरूम हमने एक बर्तन में बाहर निकाल लिए हैं। अब तब तक हम मिक्सी में टमाटर प्याज का एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जो कि हमने भी कढ़ाई में इनको पकाया था। ये देखिए, सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इन सारी चीज़ों का मिक्सी में एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। सब्जी बनाने के लिए हम गैस पे एक कुकर चढ़ा देंगे। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। जब ये तेल हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी, जावित्री, 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 2 चुटकी जीरा, 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को हम क्रश करके डालेंगे। तेल हो चुका है। अब हम ये सारे खड़े मसाले इसमें डाल देंगे और जब ये मसाले हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें मिक्सी में जो फाइन पेस्ट तैयार किया था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये अब हम ये सारा टमाटर का पेस्ट जो था, टमाटर प्याज का जो हमने शुरुआत में बनाया था, वो इसमें सारा ऐड कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे अच्छे से। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च जो कि ऑप्शनल है, थोड़ा सा रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इन सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1 कटोरी मटर। अब हम इसमें मिला देंगे जो हमने मशरूम भून के तैयार किए थे, उनको भी आपस में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम 1 छोटा ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसे थोड़ी देर तक हम ढककर पकाएंगे। याद रहे, हमें धीमी आंच पे पकाना है। थोड़ी देर के बाद हम इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए, सब्जी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम। हमने यहाँ पे 1 कटोरी क्रीम यूज़ की है। आप चाहें तो अमूल का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो क्रीम हमने यूज़ की है इसको हमने अच्छे से फेंट लिया था, उसके बाद इसमें डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। अब हम तवा चढ़ा देंगे मीडियम फ्लेम पे। हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भून लेते हैं। कसूरी मेथी को हमें बहुत लाइट लाइट भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा भूनेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, कसूरी मेथी हमने भून ली। इसको हमने एक बर्तन में निकाल लिया। अब इसे हम क्रश करेंगे, उसके बाद हम इसे सब्जी में ऐड कर देंगे। ये कसूरी मेथी हमने डाल दी है। अब हम इसको सब्जी में आपस में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम सब्जी को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सब्जी एकदम तैयार हो चुकी है। हम इसको क्रीम और धनिया की पत्ती से सजा देंगे। ये देखिए, सब्जी हमारी एकदम बनके तैयार है। बहुत ही अच्छी बनी है।